सब टूट पड़े उनको मारने के लिए। और आप अपना कानून जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, व्हाई इज इट हैपनिंग? आप पुलिस से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही हैं? जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा कॉन्स्टेंट फियर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बताइएगा अमरीन, ये एक बहुत अफसोस की बात है कि किस इस तरह का एक वाकया रोरुमा हुआ है मच्छर कॉलोनी में, कि पूछने की जहमत भी नहीं की। इतनी बड़ी आवाम का हुजूम आप देख सकती हैं, सब टूट पड़े उनको मारने के लिए, और आखिर में उनको इतना मारा, इतना तशद्दुद किया कि दो बेगुनाह जिंदगियां चली गई अपनी जान से। तो हमारी आवाम किस तरफ जा रही है? क्या हम सब एक मेंटल डिप्रेशन, एक एंजाइटी, या हम दिमागी तौर पर हम क्या सही नहीं है? ये जो मॉब लिंचिंग है, ये आपको एक नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका एक ट्रेंड बनता आ रहा है, वेयर पीपल आर कि आप अपना कानून जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप ट्रायल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप जरा को नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, और आप जाके खुद ही डिसाइड कर लेते हैं जस्ट बाय किसी की आवाज़ सुन ली या किसी ने कुछ कह दिया उसको सुनने में। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये भी उसी की एक कड़ी है, और ये एक ट्रेंड है हमारे सोसाइटल, एक रॉन्ग है जो आपको नज़र आ रहा है। और ऐसे फिर अगर हम इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे, अगर क्योंकि स्टेट आपकी आपको प्रोटेक्ट करती है, सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, और अगर आप प्रॉपर इस पर स्टेप्स नहीं लेंगे तो ये चीज़ सिर्फ कंटिन्यू होगी और इनफैक्ट ये ज़्यादा ग्रो करेगी। व्हाट स्टेप्स? What steps? Steps, देखें जी, स्टेप्स जो हैं, मेन जो चीज़ें हैं, आपको अगर जब मॉब लिंचिंग होती है इसमें आपको ये देखना है कि व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाई इज इट कि एक ग्रुप ऑफ पीपल एक्चुअली डिसाइड टू टेक लॉ इनटू देयर हैंड्स, कि आप विदाउट ट्रायल आप क्यों करते हैं? इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं विच आई फील के इम्पोर्टेंट इज यू नीड टू मेक श्योर कि इस दफ़ा ये जो केस चल रहा है ये फास्ट ट्रैक हो, आप सालों बाद इसकी डिसीजन नहीं आनी चाहिए, ये बड़ा फास्ट ट्रैक होना चाहिए। यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा चैलेंज है हमारे, क्योंकि उनको एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, सोशल मीडिया पे गर्दिशें कर रही थी काफ़ी सारी खबरें कि एक बच्चे पकड़ने वाले, अगवा करने वाले एक ग्रोह फैला हुआ है, तो उन्होंने वही आवाज़ सुनी और उनके ऊपर जो है वो धावा बोल दिया। तो मिस इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रस्ट और एक एंग्जाइटी जो है वो डेफिनेटली प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में, बिकॉज आउटरेजियस किस्म के अटैक्स हुए हैं बच्चों पे, नो डाउट अबाउट दैट। हाउएवर, जो मॉब लिंचिंग होती है उसको एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है, पुलिस को उसमें बड़ी ज़रूरत है, एक स्पेशल अपनी यूनिट बना के इसके ऊपर काम करें। मुझे लगता है कि जितनी देर तक आप अपनी जुडिशरी, पुलिस को प्रॉपरली नहीं एड्रेस करेंगे उनके प्रॉब्लम्स, लोगों का ये जो रुझान है इस तरफ जाएगा, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ आइंदा ये इसको कंटिन्यू ना हो। और इसलिए आई एम सेइंग कि पुलिस एंड दोनों, अगर ये कमेटी बनी है और अगर ये इस चीज को एड्रेस कर, आप पुलिस से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही हैं? वो तो अपनी बेसिक ड्यूटीज ही मुश्किल से कर पाती हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें, पुलिस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इन अमेरिका, दे हैव अ स्पेशल यूनिट हु डील्स विद मॉब लिंचिंग। हमारे पास नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, और हमारे पे इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट केसेस हैं मॉब लिंचिंग के कि हमारे पास, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है, इवन पुलिस को नहीं पता। आई थिंक एक प्रीवियसली हुआ था जहाँ पे उसने फायर कर दिया था हवा में, सो ही वॉज एबल टू डिस्पर्स द मॉब। सो ये जो ट्रेनिंग है और किस तरीके से एड्रेस करना है वो लैक करती है, एंड आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कमेटी है इसको देखे। एंड ऑल्सो, मॉब किलिंग के लॉज नहीं है हमारे पास, जो राइट्स है, आप राइटिंग के ऊपर आ जाएंगे, ये लोग एंटी टेररिज्म में डाल देते हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ये केसेस नहीं जाते। हज़ार अगर बंदा है उसमें से ये चार को डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग इज़ व्हेन थाउजेंड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल थिंक दैट वो डिसाइड कर सकते हैं किसी की जान लेना या Don't you think, Amreen, the reason behind this is that कि आपके मुल्क में तौहीन रिसालत के जितने भी केसेस हुए उसमें से किसी को सजा नहीं हुई, और 100-100 बच्चों के रेपिस्ट पकड़े गए, किसी को सजा नहीं हुई, बड़े बड़े मर्डर करके लोग आज़ाद घूम जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाते हैं, इंसाफ का निज़ाम मुझे तो नज़र नहीं आता। मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि यू आर अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एज वेल, मुझे तो ह्यूमन राइट्स भी नज़र नहीं आते पाकिस्तान में, आपको आते हैं?
नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं भी आई थिंक एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन पे बात कर रही हूँ कि जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा और जहाँ पे एक कांस्टेंट फियर होगा. आप अपने चाइल्ड अब्यूज केसेस देख लें, आप यू नो एवरी अदर डे डोमेस्टिक सामने आया है जिसमें उनके मामू मानी को मुलव्वस पाया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है. दे आर अपसेट. एग्जैक्टली. पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है. 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर वन. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.